हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। सो आज हम बनाने वाले हैं तिल और चावल की चकली। यह खाने में बहुत स्वादिष्ट और कुरकुरी होती है। चलिए देखते हैं इसकी रेसिपी क्या है। यहाँ हमने 1 केजी चावल लिया है, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। हमने यहाँ डोसा इडली के लिए जो इस्तेमाल करते हैं वही चावल लिए हैं। अभी हमने चावल को अच्छे से 2 बार धो लेंगे और फिर चावल डूबने तक पानी डाल के इसे 2 घंटे के लिए रख देंगे। सो हियर इट इज गाइज, अब 2 घंटे हो चुके हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं चावल अच्छे से भीग गए हैं। चावल को अभी हमने अच्छे से ड्रेन कर लेना है, इसीलिए हमने एक यह बड़ी सी छलनी ली है। छलनी के उपयोग से हम इसमें से पूरा पानी ड्रेन कर लेंगे। अभी चावल में से पूरा पानी छनने के बाद एक साफ कपड़ा ले लेना है हमें, और इस कपड़े पर चावल को अच्छे से फैलाकर सुखाना है। ध्यान रहे चावल को ज़्यादा कड़क सुखाना नहीं है, थोड़ी सी नमी रह जानी चाहिए उसमें। सो करीबन 2 घंटे के लिए हम यहाँ इसे सुखा देंगे। A few moments later. 2 घंटे हो चुके हैं, हमने चावल को अच्छे से सुखा लिया है, चावल सूख भी गए हैं। सो अभी हमने इसको मिक्सर में से ग्राइंड कर लेना है। आप बड़ा पॉट ले ताकि ज्यादा क्वांटिटी में आप ले लेंगे एक साथ ही। अब यहाँ ग्राइंड करने के बाद इस आटे को छन्नी से छान लेना है। हमें चकली के लिए महीन आटा चाहिए, एकदम बारीक। सो आप इसे बारीक छन्नी से छान ले। यहाँ हमारा आटा रेडी है। यहाँ हमने 250 ग्राम तिल ली है और 5 टेबलस्पून नमक। आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक कम ज्यादा ले सकते हैं। यहाँ हम लोग 1 केजी के लिए 250 ग्राम तिल ले रहे हैं। आप जितनी ज्यादा तिल डालेंगे उतना कुरकुरी और क्रिस्पी टेस्ट आएगा चकली को। हम इसे अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे। अब इसको हमने थोड़ा थोड़ा पानी डालकर गूंथ लेना है आटे को। आटे को हमने अच्छे से सॉफ्ट और स्मूथ सा गूंथ लेना है। आटे को हमने अच्छे से सॉफ्ट सा बना लिया है। अब इसे हमने सेट होने के लिए थोड़ी देर रखना है, लगभग आधा घंटा हम रखते हैं यहाँ पर। अब इसको हम कपड़े से ढककर सेट होने के लिए रख देंगे आधे घंटे के लिए।
अभी आधा घंटा हो चुका है, हमारा आटा भी अच्छे से सेट हो चुका है। अभी हम चकली बनाना स्टार्ट करते हैं। हमारी चकली बनकर रेडी है, अब इसे हम तल लेंगे। यहाँ हमने गैस पर तेल गरम होने के लिए रखा है, आप चेक करें कि तेल अच्छे से गरम हुआ है या नहीं। अभी हमारा तेल अच्छे से गर्म हो चुका है और अभी हम यहाँ एक एक करके तेल में चकली को डाल देंगे। हमने यहाँ फ्लेम को लो टू मीडियम रखा है, एक ही फ्लेम पर पूरी चकली को हमने तलना है। हमें इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर ही तलना है पूरा समय। अगर आप इसे हाई फ्लेम कर देंगे तो ये ऊपर से जल जाएंगी और अंदर से कच्ची ही रह जाएगी। आप एक ही लेवल के फ्लेम पर तले इसे लो टू मीडियम और हल्का सुनहरा होने तक। देखिए ऐसे इसका कलर आ चुका है, अब इसे हम निकाल कर प्लेट में रख देंगे। ऐसे करके हमारे सारे चकली रेडी है यहाँ पर, बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही कुरकुरी, खासकर बच्चों को और बड़ों को बहुत ही पसंद आती है ये डिश, ज़रूर ट्राई करें। हमारी डिश आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और प्रेस करें बेल आइकन को। थैंक यू।